अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुद्दो सलाम मेरे और आपके प्यारे तसुने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये सब जो आप मनाजर देख रहे हैं ये नारान रोड के हैं, और नारान रोड के ऊपर इस पड़े हुए पुराने बटल पुल से हम शुरू करेंगे। कि दोस्त का ख्याल कर रहे थे, कुछ दोस्तों का ये भी कमेंट आया कि नारान बटल इस मकाम पर कभी पुल हुआ ही नहीं करता था। कुछ दोस्तों का यह भी ख्याल आया कि उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि मलिक साहब आप पुल की बात करें तो कौन सा पुल टूटा है, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। तो उन साहब की इतना की अर्ज है कि आज हम आपको दिखाएंगे कि बटल का जो पुराना पुल है वो गिरकर कहां गया, कहां पड़ा हुआ है अभी तक, और इस वक्त बटल के ऊपर जो नया पुल बनाया गया है वो कैसा है। दोनों की सूरत हाल में हम यही समझते रहे पिछले कई दिनों से, जब ये काम जारी था, लोगों के मसाइल थे, लोग परेशान थे, लंबी मीलों लंबी रुंसियाँ वो लाइनें लगी हुई थी, और इन लाइनों के बाद सयाज उनसे हैं वो सख्त टेंशन में यहाँ से गुजरते थे। 4 से 5 घंटे जो लंबी लाइनें उनको तय करने के बाद फिर वो अपनी मंजिल मनसूब पर पहुँचते थे। गाड़ियाँ ख़राब हुई, नुकसान हुए और बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम यही समझते रहे कि ये NHA की कार्रवाई है कि NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहाँ पर पुल की तंसीब की। और यहाँ पर आज फिर हमें एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिला, हम वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। इसमें किस हद तक सदाकत है ये तो अब आप ही जान सकते हैं या ये महकमे जान सकते हैं। कि हमें मून रेस्टोरेंट के ऑनर राजीव सुंदीन साहब ने एक वीडियो पैगाम भेजा और साथ वीडियो क्लिप्स भी भेजे, हम वो आपको सुनाना चाहते हैं कि असल में कहानी क्या है, कि ये पुल किसने तामीर किया। मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ ये पुल गुज़श्ता साल सैलाब में बह गया था, और सारे मकामी लोग और मीडिया और सारे NHA को बावर कराते रहे, लेकिन उनकी की वजह से और नालायकी की वजह से ये एक साल तक जो है ना काम जो पेंडिंग रहा, और लोगों को मकामी लोगों को सेवाओं को काफ़ी तकलीफ़ हुई। वो अभी सीज़न भी चल रहा है, एक महीना हो गया, लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ़ हुई है सेवाओं को। तो अभी FWO की एक टीम ने इस पुल को तामीर किया है, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पुल है, और छोटी बड़ी ट्रैफिक के लिए जारी है, डबल ट्रैफिक के लिए। और बड़ी खुशखबरी की बात ये है कि सयाहों को जो तकलीफ थी वो अब जो है ना खत्म हो गई है, मुकामी खत्म हो गई है। तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं FWO की कप्तान साहब, जिन्होंने पीछे 7 दिन में इतना मजबूत और डबल ट्रैफिक के लिए अच्छा पुल जो है ना लगा के एक अच्छी जो है ना खिदमत का सबूत दिया। पाकिस्तानी सयाहों को, गैर मुल्की सयाहों को ये जो पुल का जो है मसला था हल हो गया, तो अब यहाँ जो है ना पुल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो है ना वादी कगान उमे नारान और गुलशरकाब से होते हुए नार्दर्न एरिया चिलास हमजा गलगेत संजाब टाक खूब सैर करें, और आजकल ऊपर झील सब हम लोग और पहाड़ी एरिया में बर्फ ही बर्फ है, और खूब इंजॉय करें, फैमिली के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ। तो हम ये दावत दे रहे हैं। जी दोस्तों, आपने मौका सुन लिया मून रेस्टोरेंट के आनर जनाब राजीव सुंदीन साहब का, कि उन्होंने हमें क्या बताया कि ये पुल FWO ने दिन रात मेहनत करके यहाँ पर इंस्टॉल किया है। और ये भी सुनने में आया ये वही पुल था जो कि पटाकुंडी इंस्टॉल हुआ हुआ था, और फिर वहाँ पर चूँकि कंक्रीट पुल बन गया था फिर वहाँ से यहाँ पर लाया गया। अब इसकी तरदीद या जो सी है तस्दीक जो सी है, अगर NHA नहीं किया है तो NHA वालों से मैंने रابطہ किया है, आज उनसे रابطہ नहीं हो पाया, अगर रابطہ करेंगे तो हम उनकी तरदीद भी लगा देंगे। लेकिन अब तक के लिए यही है कि ये पुल FWO ने फ़ौरन से बेशतर सयाहों की परेशानी के पास यहाँ पर इंस्टॉल किया है। तो मून रेस्टोरेंट के मालिक राजीव सुंदीन साहब लोगों को टूरिस्ट के लिए पैगाम भी दे रहे हैं, आज सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। ये जो पुल का जो है मसला था हल हो गया, तो अब यहाँ जो है ना पुल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो है ना वादी कगान उमे नारान और गुलशरकाब से होते हुए नार्दर्न एरिया चिलास हमजा गलगेत संजाब टाक खूब सैर करें, और आजकल ऊपर झील सब हम लोग और पहाड़ी एरिया में बर्फ ही बर्फ है, और खूब इंजॉय करें, फैमिली के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ। तो हम ये दावत दे रहे हैं।
हम तो यही कहते हैं कि जिसने तामीर किया शाबाश, वेल डन, और आप लोगों ने जिसने भी तामीर किया है उसने सियाहों की जो मुश्किलात उसको मद्दनज़र रखते हुए बहुत ही आसान काम किया है। और ईद के ऊपर जो लोग आएंगे उन्हें कम अज़ कम यहाँ पर फिर तो अभी कई किलोमीटर है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कागान से नारान तक लंबी लाइनें लग जाती अगर ये पुल तामीर ना किया जाता। तो शाबाश जी, और दूसरा इंशाल्लाह हमारी अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा, ईद के मौके पर भी हमारी कोशिश होगी ताज़ा तरीन अपडेट आपको दें। रश की सूरत हाल को हमारे चैनल पर वॉच करने के बाद फिर आप नारान का रुख इख्तियार कीजिएगा। मौसम, रश, सारी सिचुएशन इंशाल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद होगी। मुझे इजाज़त देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। मुझे इजाज़त देंगे, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।